सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांतों के क्षय के ऊपर, यानी कि हमारे मुंह में जो दांत हैं इनका क्षय कैसे होता है और हम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दांतों के पीएच लेवल की, यानी कि जो हमारे मुंह का पीएच लेवल है, बेसिकली अगर ये पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो दांत हैं इनका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारे दांत जो दिख रहे हैं ना, मुंह के अंदर जो दांत दिख रहे हैं, इनका जो ये इनेमल होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, अब कैल्शियम फॉस्फेट एक जो है एक ऐसी कठोर धातु, हम कठोर पदार्थ हम इसे कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर पदार्थ है। बेसिकली ये जो है जल में डिजॉल्व नहीं होता है, बट अगर वही इसका रीज़न है कि अगर मुँह का पीएच 5.5 से कम है तो आपके दांतों का क्षय यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जब दांतों का क्षय होने लग गया है तो ऐसी स्थिति में इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो किसी भी क्षारकीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके आप जो है अपने दांतों का क्षय रोक सकते हो। क्षारकीय टूथपेस्ट मतलब ऐसा टूथपेस्ट जिसमें बेस की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि उसका पीएच लेवल आप 7.7 से ज़्यादा है। ठीक है, पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद जो ये एक प्रोसेस चल रहा है क्षय होने का, इसे वो कंट्रोल करेगा या फिर स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था वो दांतों के क्षय के ऊपर था। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।